तो यार आज देखते हैं अपनी RTR 310 की क्या टॉप स्पीड है, 0 to 60, 0 to 100 कितने टाइम में जाती है, कौन से गियर की क्या मैक्सिमम स्पीड है और कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है, सब कुछ देखेंगे भाई। ये पूरी परफॉर्मेंस वीडियो होने वाली है, इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और भाई इसकी लुक्स और डिजाइन पे मैं कम्प्लीटली फिदा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। ये देखो, लुक्स और डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, हो सकता है कि मुझे पसंद है आपको दूसरी पसंद, हो सकता है आपको दूसरी पसंद है ये आपको पसंद नहीं हो। तो लुक्स और डिजाइन के ऊपर कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया, और मेरे साथ बिल्कुल ना करना भाई, मैं आपका भाई हूँ, कभी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगी आप RTR 310 को इतना अच्छा बता रहे। नहीं भाई, मैं इतना अच्छा नहीं बता रहा, मैं डिजाइन को अच्छा बता रहा हूँ कि हाँ डिजाइन बहुत अच्छी है और बाइक भी अच्छी है। अच्छी है तो अच्छी बताएंगे ना, उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो ड्रैग रेस आएगी ना और दो चार बाइकों के साथ, तब आपकी थोड़ी आंखें खुलेगी। बाइक को लिए लगभग 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन भाई घुटन हो रही थी अंदर ही अंदर कि यार ये अच्छे से भाग नहीं पा रही, क्योंकि स्पोर्ट मोड लॉक है, ट्रैक मोड लॉक है, तो मैं क्या करूं यार, मैं बोर हो गया था भाई, मैंने जबरदस्ती चलाया इधर उधर राइड करके आया, किसी तरह इसके 800-900 किलोमीटर हो जाए, फिर जाके सर्विस मैंने अभी इस बाइक की करवा ली है और अब इसके ट्रैक मोड, स्पोर्ट मोड सब अनलॉक है, फुल पावर पे है बाइक अपने, और मैं भी आज फुल पावर पे हूँ भाई, रेड बुल पे के आया हूँ, फुल पावर पे मैं बिहार। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आज मैं देखूंगा अपनी RTR 310 की क्या परफॉर्मेंस है, क्या 0 to 60 की, 0 to 100, क्या टॉप स्पीड है, क्या मिनिमम स्पीड है, कौन से गियर की, कुछ बस तो नहीं गया यहाँ पे, कुछ बताना बस गया तो वीडियो में आप सब कुछ देखोगे, टेंशन ना लो। और आज ड्रैग रेस भी करी है हमने ट्रायम्फ के साथ, उधर ट्रायम्फ खड़ी हुई है, इसकी ड्रैग रेस भी आपको चैनल के ऊपर जल्दी देखने को मिल जाएगी, आपको मजा आ जाएगा ड्रैग रेस देख के भी। भाई जो सोचा था उससे बहुत ही कुछ अलग गजब कुछ हुआ है, आ जाएगी कल तक आ जाएगी। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है, मैंने ट्रैक मोड लगा रखा है, आप देख सकते हो ट्रैक मोड बाइक में लगा हुआ है, अभी कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है सबसे पहले वो देखेंगे। अभी फर्स्ट गियर मैंने बाइक में लगा दिया है और मैंने ये अपना हाथ हटा लिया है हैंडल बार से, ठीक है। सेकंड गियर अभी लगा, और फर्स्ट गियर की देखी नहीं मैं, सेकंड गियर लगा दिया डायरेक्ट। एक सेकंड, मैं हेलमेट का शीशा खोल लूँ यार, थोड़ा सांस सा, खड़े खड़े हेलमेट लगाते हैं ना तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पैक होता है ना पूरा। तो फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है 9 की स्पीड पे, और सेकंड गियर अभी मैंने लगा दिया है, सेकंड गियर में बाइक चल रही है 15 की स्पीड पर, ये मिनिमम स्पीड है सभी गियर की। और थर्ड गियर में बाइक चल रही है 17, 18 की स्पीड पर, ठीक है। मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको, ताकि क्योंकि मीटर TFT है और छोटे छोटे डिजिट आ रहे, तो थोड़ा पास से दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और अभी मैं लगा देता हूँ फोर्थ गियर में हल्की सी नोकी की साउंड आई, बट अभी नॉर्मल हो गई है बाइक, और स्पीड आ रही है 23, 24। अब लगाते हैं फिफ्थ गियर, तो ये मैंने लगा दिया फिफ्थ गियर में नोकिंग की साउंड आई फिर से थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके बाद फिर बाइक नॉर्मल हो गई है 25 की स्पीड पर, 25 पर फिफ्थ गियर में बहुत ही स्मूथली मक्खन चल रही है बाइक, 26, 25। अब लगा देते हैं सिक्स्थ गियर में, आई थिंक नहीं चल पाएगी, नहीं, चल रही है भाई। और स्पीड है 28, 29 की स्पीड पर, 30 और 29 की स्पीड पर सिक्स्थ गियर में चल रही है, बट इतना स्मूथ अभी फील नहीं आ रहा जितना कि छोटे गियर में आ रहा था, मतलब पाँचों गियर से नीचे सही चलती है भाई। तो ये मिनिमम स्पीड थी सभी गियर की। अब देखते हैं एक्सलेरेशन, 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120 बाइक कितने में जाती है, ठीक है वो देखते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपको हर गियर की टॉप स्पीड दिखाऊंगा, कौन से गियर की क्या टॉप स्पीड है। नहीं, एक काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ना, बस एक चीज़ बताऊँ, 0 to 100 भी इस बाइक का बहुत ही बढ़िया है, देख कर ज़रूर जाना। पहले मैं आपको टॉप स्पीड दिखा देता हूँ, क्योंकि आप उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो पहले टॉप स्पीड दिखाते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं इसका जो मीटर है उसको रीसेट मार देता हूँ, ताकि टॉप स्पीड अपन रिकॉर्ड हो जाए, अगर अपन नहीं देख पाए तो। कहाँ से आएगा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज, स्पीड, ये हमने कर दिया टॉप स्पीड 0, 0 to 60, 0 एवरेज स्पीड 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या टॉप स्पीड बाइक रिकॉर्ड करती है। तो टॉप स्पीड का नंबर है, ये भी देख लेते हैं कौन से गियर क्या स्पीड है ना, और फिर सिक्स्थ गियर की भी देख लेंगे। फर्स्ट गियर में 52, सेकंड गियर में 75, थर्ड गियर में 96, फोर्थ गियर में 118, फिफ्थ गियर में 137, यहाँ पर थोड़ा स्लो करना पड़ेगा भाई मुझे, बम्प है, बाइक उछल सकती है, बाइक उछल सकती है। हाँ,
देखते हैं क्या स्पीड तक जा पाती है सिक्स गियर में। अरे कितने मिलीमीटर आ गया, लिमिटर ही आ गया, मैं तो स्पीड ही नहीं देखी। दोबारा देखता हूँ भाई, दोबारा देखूंगा मैं, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पाया ना। और टॉप स्पीड कम मत समझना भाई, मैं आपको दोबारा एक चीज बोल दूँ, ये टॉप स्पीड इसके हिसाब से परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, परफेक्ट टॉप स्पीड है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, टॉप स्पीड डेली यूज में इतनी काम नहीं आ पाती है, इसी वजह से मैं इस बाइक की तरफ गया था। मेरा ये भी एक टारगेट था, क्योंकि मुझे पता था कि इनिशियल बहुत अच्छा होने वाला है बाइक का। तो सभी गियर की टॉप स्पीड तो मैंने आपको दिखा दी है, पर सिक्स गियर की मैं दोबारा देख लेता हूँ भाई, मैं देखना भूल गया था। अभी हम देखते हैं 0 to 60 और 0 to 100 कितने टाइम में करती है बाइक। इसमें मैंने आपको दिखाया होगा ये अटैम्प उससे ज़्यादा अच्छा था, तो इसमें आपने 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120 तक देख लिया होगा। और अभी हम देखते हैं कि क्या दिखा रही है बाइक, उसके बाद फिर हम एक अटैम्प और करेंगे और फास्ट कर सकते हैं कि 2.75 था ना उस टाइम। अभी देखते हैं अभी क्या आया, 2.73। और इतना सा फर्क पड़ा है भाई, पता नहीं एक बराबर ही है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये तो दिल तोड़ रही है। मेरा जो 0 to 100 का टाइमिंग एडिट करते टाइम मैंने आपको डाल दिया होगा, तो अभी देखते हैं एक बार और। अभी 0 to 120 तक लेके गया था बाइक को, और अभी देखते हैं क्या आया है ऐप के अंदर। पहले 6.9 था और 3.3 था 0 to 60, और अभी ऐप के अंदर देखेंगे, फिर हम मीटर के अंदर देखेंगे दोनों में सेम आता है या फिर अलग अलग आ रहा है, वो भी हम मैच करके देखेंगे। भाई बाइक सोचेगी यार पागल वागल हो गया लगता है ये छोरा, अब पागल वागल का पता नहीं। अरे यार मैंने तो हटा और दी वो ऐप, क्लोज और कर दी, पता नहीं अब रिकॉर्ड दिखाएगा नहीं दिखाएगा या भविष्य में दिखाएगा। लास्ट राइड इन्फॉर्मेशन इसमें शायद आ जाएगा। 6.7 दिखा रही है 0 to 100 में, और 3 सेकंड दिखा रही है 0 to 60 में, और ये क्या दिखा रहा है, माई व्हीकल में जाके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, यहाँ पर स्पीड में दिखा रहा है 2.6। भाई अपना परफेक्ट हुआ था, 2.6 सेकंड में अपने 0 to 60 किया, ऐप के अंदर ले गया गारंटेड ले गया, क्योंकि मीटर में और इसमें डिफरेंस आ गया बहुत ज़्यादा। ये 2.6 दिखा रहा है 0 to 60, ऐप दिखा रही 3 सेकंड, तो लैग है। अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, उस टाइम मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जब मैं बाइक का एक्सेलरेशन टेस्ट चेक कर रहा हूँ 0 to 60, 0 to 100, वो कितने टाइम में जा रही है ये चेक कर रहा हूँ, उस टाइम बार बार ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन कर रहा था और वो सही से लॉन्च नहीं होने दे रहा था। मैं भी थोड़ा सा मेरे माइंड में आ रहा था कि यार बाइक लॉन्च इतना परफेक्टली क्यों नहीं हो पा रही है, लेकिन अब जब मीटर में देखा कि बार बार ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन हो रहा है, तब भाई बुद्धि खराब हो गई कि ये क्या किया यार, तो नहीं पूरे दिन की मेहनत खराब हो गई। और बस इसमें 0 to 100 का जो एक्सेलरेशन और 0 to 60 का जो टाइम है ना, वो अभी आप करेक्ट मत मानना, वो हम दोबारा चेक करेंगे, एक दो दिन में दोबारा हाईवे के ऊपर जाऊंगा फिर दोबारा चेक करेंगे। अभी बाकी सब जो भी चीजें हैं वीडियो में वो सब सही है, बस 0 to 60, 0 to 100 एक दो दिन के लिए पेंडिंग रहेंगे, जल्दी मैं आपको दिखा दूंगा भाई। एक बार और देख लेते हैं, बहुत दिन बाद भगा रहा हूँ मैं, मतलब आज ही भगा रहा हूँ, बहुत दिन बाद किया, क्योंकि बहुत दिन से इसके मोड लॉक थे और मैं तड़प रहा था कब इसके परफॉर्मेंस चेक करूँ। आज बहुत दिन में मौका मिला है तो कर देते हैं चेक। पर 60 पर फिर लिमिटर आ गया, वही है टॉप स्पीड। मैं पागल पागल हो गया लगता हूँ आज यार। बाइक की परफॉर्मेंस देख के अगर कुछ लोगों का मन थोड़ा खराब हुआ हो कि एक्सेसरी टॉप एंड, नहीं भाई ये इनफ है, प्रैक्टिकल है और मज़ा आएगा आपको बाइक चलाने में, जो आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा। और ये ऑलरेडी मुझे पहले से पता था कि इसकी टॉप एंड लगभग 160 से 162 होने वाली, इससे ज़्यादा टॉप एंड नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल पंच और मिड रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बाइक का। मिड रेंज और इनिशियल पंच को देख के आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि 300 cc की बाइक है, भाई खतरनाक लेवल की परफॉर्मेंस दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ, आज लग रहा है कि हाँ जो रुपए दिए थे वो वसूल हुए हैं परफॉर्मेंस देख के। बाकी कुछ लोगों को फिर भी डाउट है तो अभी और भी ड्राइवर्स आएंगी और बाइकों के साथ, तब आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाओगे बाइक को। और अब भीख मांगने का टाइम आ गया यार, मतलब
ऐसा लग रहा है बेशर्म हो गया मैं सब्सक्राइब करने की बोल बोल के। मतलब अभी अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल, तो नज़र मिलाने में थोड़ी सी वो लग रहा है मुझे, हेजिटेशन सी आ रही है आपसे। बस कैमरा है ना मेरे सामने, इसलिए मैं मिला पा रहा हूँ, नज़र आप होते तो नहीं मिला पाता। तो यार अगर भाई के एफर्ट्स अच्छे लगते हैं ना, तो यार कर दिया अगर सब्सक्राइब भाई। मैं बस यार इतना सा चाहता हूँ, जो मेरा वॉच टाइम है, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे देते हैं, वो लगभग 6.6 या फिर 6.7% है यार, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो भाई उसे 15% कर दो, सब्सक्राइब करोगे ना तो वो वॉच टाइम आपका काउंट होने लग जाएगा। मुझे थोड़ी खुशी होगी कि हाँ, जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, और आप लोग मुझे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर रहे हो। 100% सपोर्ट नहीं भाई, 15% सपोर्ट मांग रहा हूँ। 15% आ जाना चाहिए आपके भाई के वॉच टाइम सब्सक्राइबर वाला। भीख मान लो कि भाई, सोच लो कि भाई भीख मांग रहा है आपका भाई। यार थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है ये, थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन मजबूरी यार मेरी भी, मुझे भी अपने काम से थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहिए, इस वजह से आपको बोलता हूँ। वो सब आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप ये सब्सक्राइब दबा दोगे तो मेरे काम से मुझे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी इस वीडियो में ये सब कुछ था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, खुश रहो यार।